हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम दोबारा से बात करने वाले हैं एल्विश यादव और मैच संधि कंट्रोवर्सी के बारे में। और एल्विश यादव ने भी अपनी साइड से स्टोरी बताई है और मैच चंद ने उसका रिप्लाई भी दिया। अगर आपने सब पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा तो वो भी देख लेना, वो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और आज की बात, बहुत सारे न्यू अपडेट आए, हम आधे की बात अब आपको इस वीडियो में बताते हैं। और इसी बीच रैंडम सेना और एल्विश यादव के बीच में बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी हो गया, वो भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो गाइज, आपको बताइए इन चीजों में कितनी मेहनत लगती है। तो आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को लाइक कर देना। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। गाइज, एल्विश यादव ने अपने मेन चैनल पे एक क्लिप अपलोड की थी और उसमें मैच चंद के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे एलिगेशन और बहुत सारी बातें बताई थी। वो मेरे को 8 महीने से पोक कर रहे थे बिग बॉस के टाइम से ही, तो आप ये थोड़ी सी क्लिप देखिए जरा। पूरे 8 महीने से लगातार पोकिंग एल्विश ने करा, एल्विश ऐसा, एल्विश के लोग गवार आर्मी, एल्विश आर्मी गवार आर्मी। फिर मेरे को पता लगा ये सब चीज़ ये मेरे साथ नहीं है, ऐसे ही फॉलोअर्स के लिए करता है सारी चीज़ें। मेरे को इस पे कॉल पे बात करनी थी मेरे को इससे ना, कि भाई क्या दिक्कत हो रही है, तुम बार बार ये सब क्यों करते हो। इसने सामने से रिप्लाई करा कि मिल लेते हैं, इसके कोई दोस्त की दुकान थी कपड़ों की, वहाँ पे इसने पूरा सेटअप, पूरा कैमरा, इसको पता था क्या होने वाला है और इसको कैसे यूज़ करना है। माइक लगा रखा अगले ने, आप वीडियो देखोगे ना उसकी खोल के, जिसमें मार खा रहा है। कोई तुम्हें सामने से ऐसी बातें बोल दे, तुम्हारे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, तेरे माँ बाप को जिंदा जला दूंगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस पर रिएक्शन आपका क्या होगा? क्या आपके खून में इतनी गर्मी नहीं है, या फिर आप इतने बुजदिल हो जाओगे कि आपके घर वालों को जलाने की बात करेगा तो आप उससे जाके बैठ के बात करोगे? मैंने उसको दोबारा कॉल करा कि मुझे फील हुआ कि यार ज़्यादा लगी, मिल लेते हैं, नॉर्मल से सॉर्ट कर लेते हैं। ये नहीं माना, मारपिटाई मैंने करी, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि ज़्यादा मार दिया, इतना नहीं करना चाहिए था, मे बी इंस्टेंट गुस्सा आ जाता। और एक और इल्ज़ाम हमारे भाई साहब ने लगाया कि FIR की गलत कर दी पुलिस वालों ने। भाई, अगर मैं इतना इन्फ्लुएंशियल होता, इतना मैं बड़ा आदमी होता, इतना मैं पॉलिटिकल पावर रखता, तो तुम्हारी FIR भी नहीं होने देता। विश यादव ने बोला, और जितने भी ये इंटरनेट के कीड़े बोल रहे हैं वो अकेला था, चार दोस्त खड़े थे उससे उधर दुकान के बाहर जिनके साथ प्लानिंग कर रहा था, कोई आया बीच में, बचाया भी मेरे बंदों ने। उनके फैन बोला, अजीब है यार, तेमरा लाते मार कौन खाता है। फिर एल्विश यादव ने उन्हें रिप्लाई दिया, होते हैं भाई जिनको चुलौती है, घर वालों को बोल के सोचा बच जाएगा। फिर बादेश्वर धाम बाबा फ्रॉड दयाद्याराम मंदिर, जो मैच ने वीडियो डाल लेती है उसके ऊपर, और फिर ट्वीट पर लिखा, ये असली हिंदू मुझे फेथ बोल रहे हैं। एल्विश यादव ने ट्विटर शेयर किया था जिसमें मनोज दे बोल रहे थे 5 मिलियन इंप्रेशन कैसे लाएं ट्विटर को मोनेटाइज करने के लिए। फिर मैचन ने रिप्लाई देता, किसी ट्रेंडिंग फेमस बंदे तो गाली दे दे, ट्वीट में ही हो जाएगा काम। और मैचन ने अपनी इनकम भी शेयर की, उसमें लिख रखता था स्पेशल थैंक्स टू एल्विश आर्मी। इसके बाद एल्विश यादव बोले, थोड़ा और संवाद दूं भाई, इस तो फॉलोअर बढ़ दे भाई, हम तो खुशी है। बीच रैंडम सेना ट्वीट शेयर करा, हु टोल्ड मैचन टू गो द प्लेस व्हेन एल्विश टोल्ड हिम यस ही मैच विद द रोंगा। इसने एलिगेशन लाते हुए बोला, समझ आ गया गेम अब। फिर मैचन ने कुछ पुराने ट्वीट लिखा जिसमें मैचन ने कुछ ऑफेंसिव चीजें लिख रखी है, आप रोक के पढ़ सकते हैं वीडियो। तो एल्विश बोले, जो बहुत शरीफ समझ रहा है हमारे भाई को और जो प्रूफ मांग रहे हैं उनको बता दूं, रिकॉर्ड में तब करता हूं जब मुझे सोशल मीडिया पे डालना होता है, मैचन से फेम नहीं मुझे मिलना। साइड ऑफ द स्टोरी। अब फिर इस साथ मैचन ने भी रिस्पांस करा और उनका बेसिकली इंडिया टीवी की तरफ से एक इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी कैसे हुआ था, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो मैचन से पूछा गया कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, तो मैचन ने बताया कि बिग बॉस के समय पे मैं फुकरा इंसान को ज्यादा सपोर्ट करता था, तो इस वजह से एल्विश से फैंडम बेस से मेरे को हेट मिलना शुरू हो गया था। तो फिर ये वही लोग थे जो मेरी फोटो पे उल्टा सीधा एडिट करके डालते थे, और ये जिन्हें एल्विश यादव फॉलो करता था। मेरी एल्विश यादव से कोई लड़ाई नहीं थी, तू मैं थी नहीं थी, वो तो मैंने रिसेंटली से ट्रोल करना स्टार्ट किया था, तो उनके फैंस तो बोलता था गवार। मैचन ने आगे रिवील करते बताया कि मैंने उन्हें पर्सनली मैसेज किया था, भाई तुम्हारे लोग मेरी तो ट्रोल करते हैं, पोक करते हैं, तो फिर मैंने उन्होंने बोला, भाई अभी मैं बिजी हूँ, ये सब चीज तुम अपना आप संभाल लो। एंड में जाते थोड़ा मैं ये हो जाता हूँ कि अब तो रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, फिर इनकी ट्विटर कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। ट्विटर में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया, ये मिलने तक कैसे आ गया कि भाई फिजिकली मिलने वाला बात, इसको लेकर वो बोले कि अगर मैं उसके फैंस को गवार बोल रहा हूँ तो मामला सॉर्ट होना चाहिए था। एल्विश ने मुझे मैसेज करा कि अपना नंबर भेज, देन दे डिस्कस्ड कि कहाँ पर मिलना है, कैसे मिलना है। फिर आगे मैक्सन बोले, और जब मैं गुड़गांव पहुंचता हूँ तो मेरा मेन मोटिव था उसके साथ डिबेट करना, अगर उसको लगता है वो सही है तो वो डिबेट करके जीत जाए। इसके बाद उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि ये प्री प्लान था, उन्होंने कैमरा लगा के रखा था, ऐसा क्यों किए वो, इस पर वो जवाब दिए कि देखो वो यूट्यूबर है, अब वो आएगा तो वो भी कैमरा ऑन रखेगा, जाहिर सी बात है, तो मैं भी कैमरा ऑन रखूंगा ताकि सिर्फ उसके पास क्लिप ना रहे, क्योंकि वो एडिट में अपना छुपा सकता है कुछ भी, तो इसलिए मैंने कैमरा ऑन रखा था। और सीसीटीवी
जो एल्विश ने इन एप्रोशेट्यूट शेयर करे ये आप पढ़ सकते हैं कि उन्हें सामने से पहले गाली मिली उन्होंने रिस्पॉन्ड बैक किया था। तो मैचन ने लिखा आप हद से ज्यादा इंटेलिजेंट हो कृपया मेरी एलती जीती बुद्ध दोबारा से पढ़ो। तो गाइस अब आ जाते हैं हम एल्विश यादव और रैंडम सेना की कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर। जब उन्होंने बोला था कि मुझे चारों तरफ से हेट मिल रहा है तो उन्होंने ये कुछ ट्वीट शेयर किया था। देखो आज तुम्हारे साथ की जरूरत है सारी लेफ्ट लॉबी इकट्ठी हो गई है मेरी 36 बरादरी से उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों से मेरे साथ देंगे। फिर एल्विश यादव ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी ये शेयर किया था अरे जितने भी इंटरनेट पर कूल बने ना ये लेफ्ट लॉबी वाले तो फेक हिंदू है मुनावर को गले लगा लिया ये देखो मैक्सटन को पीट दिया ये कर दिया वो कर दिया इसको ये होना चाहिए इसको फांसी होनी चाहिए। भाई तुम्हारा तुम तो पहले से मेरे को हेट करते थे देखो सही बात तो ये कुछ नया मैंने फेस नहीं करा जिन जिन अपने रंग दिखाए हैं असली दोस्त की पहचान तो भाई सब पूरे टाइम में होती है और जब अपना टाइम आया तो बहुत लोगों ने अपने रंग भी दिखा दिए सब सब याद है मुझे। अंकित यादव आदि नादर रजत दलाल फरीदाबाद रोहतर सुनती टीम से और तरफ ट्यूटी भी कुछ हो रहा है हम अपने भाई एलविश के कल खड़े थे खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सिंपल सी प्रैक्टिकल सी बात बताओ कि कोई अगर आपकी माँ बहन को गाली देगा आप सुन लोगे क्या? रही बात जो बाकी दूसरे क्रिएटर हैं जो इस पर रोटियां सेक रहे हैं भाई अपना काम धंधा कर लो जो भी है पर्सनल मैटर हम अपने आप सुलटा लेंगे यार समझ रहे हो। इनफैक्ट मैंने मैक्सटन को खुद कॉल किया था बाद में एलविश खुद बोला कि भाई यूट्यूब द मूवमेंट में ज्यादा होगा था सिस्टम तो मैंने खुद कॉल करके मैक्सटन को बुलाया था पता नहीं भाई ने किसकी सुनी किसकी ना सुनी वो आया नहीं। अगर किसी को किसी चीज का बुरा लगता है ना भाई तो फोन पे चीजें सोल्व की जा सकती हैं भाई इंटरनेट पे लड़ाई करके कुछ नहीं हो। फिर ट्रेंड कनेला प्राउडली सपोर्ट एलविश हैशटैग बॉय तो रैंडम सेना। फिर रैंडम सेना की तरफ से भी एक रिस्पांस आया ट्वीट पे तो देखिए लिखा दिस गुंडा एल्विश यादव हैज क्रॉस्ड ऑल लिमिट ऑफ शेमलेस ही इज सेइंग मैक्सन ने उससे परिवार तो जिंदा जलाने की धमकी दी अगर एल्विश ने छोटा सा भी प्रूफ दिया बात का तो रैंडम सेना मैक्सन बहुत विल अप्रोलाइज्ड टू द वार इंटेंशनली भी इंसान इतना बेवकूफ ना होता कॉल पे धमकी दिया अगर आमने सामने दिया तो माइक रिकॉर्डिंग अवेलेबल है इस टेली अंडरस्टूड द फट टू एल्विश यादव प्लेइंग टॉप क्लास विक्टिम कार्ड्स रिलीजियन कार्ड भी खेला 36 बराडरी कार्ड भी खेला फैमिली कार्ड भी दिख गई औकात। फिर एल्विश यादव बोले ऐसे रैंडम पैंडम हजार घूमते हैं इधर हेट फैलाते अपना मुंह छुपाते पीछे पीछे ठीक है शकल तो तेरी वीडियो जब बनाए तो काला चश्मा लगा लेना। फिर रैंडम सेना ने रिप्लाई दिया अपने बाप की फोटो डाली है। यादव बोले जब तक ये रैंडम इंडियन जैसे धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं नेगेटिविटी तो पहले भी वॉय तोड़ करने की जरूरत है। रैंडम सेना ने उनकी चैट शेयर करी और इतने में एल्विश यादव ने उनका एड्रेस भी लीक कर दिए उन्होंने उनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन दी तो उन्होंने लिख दिया थ्रेट स्टार्टेड प्राउड जुड़गांव पुलिस बिग टेन एक्शन आई एम नॉट फीलिंग सेफ अगर कुछ हो जाए मुझे तो भाइयों मुझे संभाल लेना मेरे माँ बाप को संभाल लेना एड्रेस और। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना कमेंट कर देना मिलते हैं आपको अगली वीडियो में जब तक लेटा टाटा बाय बाय।